हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन, बहुत ही डिफरेंट तरीके से। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, करीब 3/4 कप मैदा, आप देख लें मेज़रमेंट। 1 चम्मच सूजी लिया है, लेमन जूस है करीब 1 चम्मच, थोड़ा मिल्क लिया है करीब 3 से 4 चम्मच, 1 चम्मच घी है, 3 से 4 मैंने इलायची लिया है, और बेकिंग सोडा है करीब 1/2 चम्मच, और 1 कप चीनी लिया है। अब एक बाउल लें, उसमें इलायची को छोड़कर सारे इंग्रेडिएंट डाल लें। इसमें इस तरह से सबको एक एक करके डाल लें। मेज़रमेंट आप किसी भी कप से लें, उसके अकॉर्डिंग सारा इंग्रेडिएंट्स को चूज़ कर लें। अब लेमन जूस इसमें आधा डालें, 1/2 चम्मच इसमें डालना है लेमन जूस। 1/2 चम्मच को अभी ऐसे ही रहने दें, इसे मिक्स करें और फिर मिल्क की मदद से आप इसे गूंदें। मेरा करीब 3 से 4 चम्मच से जितना मैंने मिल्क लिया था सब इसमें चला गया है, और ये अच्छा सॉफ्ट डो बन गया है। करीब इसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ें। तब तक एक पैन ले, जो मैंने चीनी मेज़र किया था वो उसे डाल लें, और जितना चीनी है उतना ही इसमें पानी डाल लें उसी कप से, और बॉयल होने दें। उसके बाद जब बॉयल होने लगे तब इलायची डाल लें, उसके बाद लेमन जूस डाल लें, और इसे चाशनी बनाएं मीडियम फ्लेम पे करके। इसे 5 मिनट तक इसे चाशनी बनने दें। तब तक आप इसका छोटा छोटा स्मॉल बॉल बना लें। देखें इस तरह से होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग बना लें, बड़ा या छोटा। इस तरह से सभी को बनाएं। तो अब इसे फ्राई करते हैं। कढ़ाई में तेल ले लें, रिफाइन ऑयल मैंने यूज़ किया है, आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। और लो फ्लेम पे तेल गरम करके लो फ्लेम कर दें, और तब इसे धीमे ही आंच पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। जब आप फ्राई करेंगे तो ही इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, देखिए, और कलर भी देख लें। अब आप इसे निकालते हैं। उसी तरह से जो बाकी बचा है सबको फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं साइज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो रहा है। गोल्डन ब्राउन आने तक इसे भी फ्राई करना है। कलर आ गया है तो चलिए अब इसे भी निकाल लेते हैं। अब देखें चाशनी भी रेडी हो गई है। ये करीब 5 से 7 मिनट इसे लगा मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हम लोग गैस को ऑफ करेंगे। यहाँ पे देख लें आप चाशनी, उसके बाद सारा का सारा जो हमने फ्राई किया है गुलाब जामुन उसमें डाल लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद ढककर करीब 1 घंटा तक ऐसे ही छोड़ दें। देखिए करीब 1 घंटे के बाद इसमें जितनी भी चाशनी थी सब एब्जॉर्ब हो गई है। देखिए हमारे गुलाब जामुन मिल्क पाउडर से बने गुलाब जामुन बनके रेडी हो गई है। सॉफ्ट भी है, देखिए कितना अच्छा फुला है।
ये देखें, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।